दोस्तों जंगली रमी पे एक ऑफर चल रहा है, आपको 4,500 रुपीज़ एड कैश कर ले हैं तो आपको मिनिमम डायरेक्टली इंस्टेंट कैश कितना मिलेगा ये आपको मैं दिखाऊंगा। 1,000 रुपीज़ आपको मिनिमम आपको इंस्टेंट कैश मिल जाएगा और आपका हो जाएगा 5,500 रुपीज़। और आपको उसमें का मैं विनिंग करके दो तीन बार गेम खेल के आप विड्रॉल भी कर सकते हो उसमें, और आपको विनिंग करके मैं विड्रॉल भी करके दिखाता हूँ। और ये देख लीजिए आपके सामने, ये देख लीजिए 4,500 रुपीज़ आपने एड कैश कर लिया है तो आपको मिल जाएगा 1,000 इंस्टेंट कैश। तो मैं आपको इंस्टेंट कैश और आपको विड्रॉल करके दिखाता हूँ और उसमें एड कैश कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा। ये देख लीजिए आपको मैं पहले आपको एड कैश करके दिखाता हूँ। एड कैश करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको आपका फ़ोन पे वॉलेट या कौन सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर लें, पेटीएम भी चूज़ कर सकते हो आप। तो एड कैश पे क्लिक कर लेता हूँ। एड कैश पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको इंस्टेंट 1,000 आपके सामने कैसे मिलता है मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे पास एक भी रुपीज़ बैलेंस नहीं है मेरे जंगली रमी अकाउंट पर, तो अभी फ़ोन पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं फ़ोन पे यूज़ करने के बाद डायरेक्टली पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं, आपके डायरेक्टली फ़ोन पे रिक्वेस्ट चला जाएगा। आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद एक सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको इंटर 5 डिजिट ओटीपी, आपको 5 डिजिट ओटीपी आ जाएगा 07051। तो 07 मैं ओटीपी डाल रहा हूँ 07051। तो पे क्लिक कर लेना है। पे पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको फ़ोनपे भी चला जाएगा। फ़ोनपे भी चलाने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगा फ़ोनपे पे। फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आ जाने के बाद डायरेक्टली आपको पे करना है। पे करने के बाद डायरेक्टली आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कनेक्टिविटी सिक्योरिटी सक्सेसफुल, तो ये सक्सेसफुल हो गए। तो अभी जाके देख लेते हैं मैं मेरे डायरेक्टली जंगली रमी ऐप पे। जंगली रमी ऐप पे डायरेक्टली मैं चला जाता हूँ, क्लिक आपको देख लेता हूँ। लोडिंग पे है पेज, तो ये देख लीजिए ऊपर मैसेज भी आ गया है डिपॉजिट का मैसेज भी आ गया है 4,500 का ऊपर आ गया। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा इंस्टेंट विड्रॉल भी हो जाता है उसमें, आपको इंस्टेंट विड्रॉल भी करके दिखाऊंगा लास्ट इंटर। और प्ले नाउ पे क्लिक कर लेना, ये मेरा विड्रॉल हो गया। ये देख लीजिए 1,000 इंस्टेंट आ गए हैं, 5,500 रुपीज़ आपके सामने हो गए। तो अभी मैं 10 रुपीज़ वाला गेम खेल रहता हूँ, 10 रुपीज़ पॉइंट वाला। तो ये देख लीजिए आपके सामने 10 रुपीज़ पॉइंट वाला मैं गेम प्ले खेल रहा हूँ। 10 रुपीज़ पॉइंट वाला गेम प्ले खेलने के बाद डायरेक्टली आपको विनिंग भी करके दिखाऊंगा और लास्ट एंड तक मैं विड्रॉल भी आपको इंस्टेंट करके दिखाऊंगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास बैलेंस नहीं है तो आपको मैं मेरे हिस्ट्री में जाके दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए गुल्लम जोकर है, तो ऊपर मेरे को गुल्लम दे दिया है, तो गुल्लम ले लेता हूँ मैं। तो मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ मिनिमम बेगम को डिस्कार्ड कर लिया। मैं गेम खेल के आपको विड्रॉल करके दिखाऊँ और विनिंग करके विड्रॉल करके दिखा दूँगा आपको। तो उसने बादशाह दे दिया, तो बादशाह को मैंने ले लिया। तो डायरेक्टली मैं सेट बना लेता हूँ 6 नंबर का। तो ये देख लीजिए बादशाह को, हुकुम के बादशाह को डिस्कार्ड कर लेता हूँ, हुकुम के बादशाह को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। तो मेरा 2-3 बार गेम प्ले ऐसा ही निकल जाता है, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। देख लीजिए 8 नंबर भी आ गए, तो 8 नंबर को भी डिस्कार्ड कर लेता हूँ। 2-3 बार गेम प्ले ऐसे ही निकल जाता है गेम से हाथ से। तो ऐसे मैं डायरेक्टली एक पता कौन सा भी कार्ड आ गया तो मेरा कंफर्मली शो हो ही जाएगा। तो ये देख लीजिए 10 नंबर आ गया, 10 नंबर को भी डिस्कार्ड कर लिया मैंने। तो बहुत सारा पत्ता ऐसे वेस्ट जाता है, मेरे को डायरेक्टली शो माने के लिए आ ही नहीं जाते हैं। तो लास्ट एंड के एक पत्ता आ जाता है, मतलब गुल्लम आ जाता है, तो मेरा कंफर्म शो भी हो जाता है। तो ये देख लीजिए मैं अभी खींच लेता हूँ, खींचने के बाद गुल्लम आ जाता है तो मेरा कंफर्म शो हो जाता है। 7 नंबर का मैं शो मार लेता हूँ, डिक्लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली साइड वाला कौन सा कितना पॉइंट दे देता है इसके ऊपर 30 पॉइंट दे दिया, तो मेरे को 262 मिल गया। तो मैं उसमें डायरेक्टली लीव टेबल मार लेता हूँ। लीव टेबल मारने के बाद डायरेक्टली आपको मैं विड्रॉल पर चला जाता हूँ। तो विड्रॉल पे चला जाने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना, नीचे आपको मेनू पे चला जाना है। मेनू पे चला जाने के बाद डायरेक्टली आपको विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट विड्रॉल ऊपर दिखा रहा है और विड्रॉल डिटेल, आपको रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर लेना। रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको बैलेंस डाल देना है 6,546 रुपीज़। तो विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद 6,548 रुपीज़ कर लिया। तो वेरीफाई पे क्लिक कर लिया, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली भी ओके पे चला जाने। तो आपको मैं मेरा जीमेल पे आईडी भी दिखाऊंगा, विड्रॉल सक्सेस हो गया है, और मेरे स्टेट बैंक पे जाके आपको मैं दिखा भी दूंगा विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, आपको डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट पे भी। और डायरेक्टली अभी मैं विड्रॉल डिटेल में जाके दिखाता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक कर लें फिर से, और विड्रॉल डिटेल पे जाके आपको मैं दिखाऊँगा।
तो ये देख लीजिए विड्रॉल डिटेल पे जाके मैं आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए 6548 रुपीज़ आपके सामने पूरा का पूरा फुल फिलेट हो गए। और ये विड्रॉल डिटेल मैं आपको डायरेक्टली मैं SBI योनो पे डायरेक्टली चला देता हूँ। और ये देख लीजिए फंड ट्रांसफ़र 6548 रुपीज़ ये आपके सामने और लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। और मैं मेरा आपको जीमेल आईडी भी दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने जीमेल आईडी में मेरा दिखा रहा हूँ आपके सामने डायरेक्टली जंगली रमी विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव। तो ये देख लीजिए विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव भी हो गए। तो 2-3 मेरे को मैसेज भी आ गए विड्रॉल सक्सेसफुल हो गए। इसे आपके सामने ये लाइव प्रूफ आपको दिखा दिया है और स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा रहा है। ये देख लीजिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ये पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने दिखाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।